हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन चैनल टॉपर्स टॉप। आई एम डॉक्टर कनिष्का है। गाइस, इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आपकी यूपीएससी ईपीएफओ एंड सिविल सर्विसेज दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेवलपमेंटल इशू में सबसे पहले हम जल शक्ति अभियान को डिस्कस करेंगे। ये जो अभियान है, मतलब कि जो एक तरीके से मिशन लॉन्च हुआ है, वो एक टाइम बाउंड मैनर में किया गया है। यहाँ पे बेसिकली वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स को सिलेक्ट किया गया है और ये फोकस किया गया है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन के थ्रू जो मॉनसून सीजन आता है उसमें वाटर कंजर्वेशन यहाँ पे की जाएगी। तो जो जल शक्ति अभियान है उसमें बेसिकली कोलेबरेटिव एफर्ट्स किए गए हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज ने, बट ये जो वेरियस मिनिस्ट्रीज यहाँ पे एफर्ट्स करेगी उनके ऊपर एक सुप्रीम कोऑर्डिनेट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन रहेगा। तो अगर आपको खाली ये पूछा जाता है कि ये किस किस मिनिस्ट्री के थ्रू होता है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन दिया जाता है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। अब मिनिस्ट्रीज बहुत सारी है इसमें। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वेरियस मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री से हो रही है डिपार्टमेंट से, तो आपका ऑप्शन सही होगा। ये जो कैंपेन है इसके अंदर फीचर्स जो रखे गए हैं उसमें सबसे पहले बात की गई है कि वाटर कंजर्वेशन करना जरूरी है इस अभियान के थ्रू, और रेन वाटर जो मॉनसून सीजन में होता है उसकी हार्वेस्टिंग करनी। यहां पे ये भी कहा गया कि देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी या फिर जो अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स थे जिस टाइम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो यूज़ हुआ करते थे पहले के टाइम में, उनका रेनोवेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि जितने पैसे आप न्यू स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए बनाएंगे, उससे बेटर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से उसको रेनोवेट कर सकते हैं। फिर जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसको रीयूज़ करने की बात कही गई है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया। और देखिए, ये चीज़ जो है हर किसी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी भी चाहिए। इवन मैं भी इस चीज़ को इंप्लीमेंट करती हूँ। इफ़ यू आर वॉशिंग एनी वेजिटेबल और फ्रूट्स, तो आप उस पानी को फेंके नहीं, उस पानी को आप प्लांट्स में दे सकते हैं या फिर आप बाद में कोई हाउस होल्ड वर्क में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीयूज ऑफ वाटर की बात यहाँ पे कही गई है। फिर जो बोरवेल्स होते हैं उनको रिचार्ज करने का यहाँ पे कहा गया है। बोरवेल रिचार्ज कब होंगे? जब ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, तो ग्राउंड वाटर इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे लिए जाएंगे। उसके बाद जो वाटरशेड डेवलपमेंट है, जिसमें कि इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन से करके, इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन का वाटर कंजर्वेशन से क्या रिलेशन है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, फॉरेस्ट लाइक कंडीशन डेवलप की जाएगी, तो जो ग्राउंड वाटर रिटेंशन होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो ये वाटर शेड डेवलपमेंट है वो भी बूस्टअप होगी। यहाँ पे एक डेवलपमेंट करने का कहा गया है ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्टीट्यूशंस का और प्लान का, कि देखिए अगर हमें ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों को करना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट को ही लिया गया है, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा अभियान का वो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान्स के थ्रू और अथॉरिटीज़ के थ्रू ही होगा। यहाँ पे जो इरीगेशन है उसके भी वाटर यूज़ के प्रमोशन की बात कही गई है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा, तो वो सिटीजन पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो सकता है? जब लार्ज स्केल कम्युनिकेशन होगा, मतलब कि जो भी अथॉरिटी है या फिर जो यहाँ पे वॉलंटियर्स है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में लोगों को जाके अवेयर करे, उनसे कम्युनिकेट करे, और जो वाटर रीयूज पॉलिसी है और जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए कुछ और स्कीम्स यहाँ पे ला सके। तो लार्ज स्केल कम्युनिकेशन कैंपेन को भी यहाँ पे में एक तरीके से इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर हम देखते हैं रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। देखिए, नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसने अपने जितने भी पर्सन हैं उनको फेक इंडिजिनस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट से बचाने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया है, ये रजिस्टर बनाया। क्या होता है कि जो नागालैंड के लोग हैं वो अपना एक फेक सर्टिफिकेट, मतलब जो नागालैंड के इनहेबिटेड नहीं है, मतलब इंडिजिनस ग्रुप्स नहीं है, वो क्या करते हैं कि एक फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं, और जब उनका सर्वे किया जाता है तो वो कहते हैं कि हम तो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। तो देखिए, जहाँ पर NRC जैसा इशू इतना लाइमलाइट में है, न्यूज़ में आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि UPSC आपसे वही पूछे। जहाँ पे ये रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स नागालैंड में हो रहा है, तो ये NRC के नीचे कहीं छुप गया है टोपे, तो UPSC इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से स्टेट्स किस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ऐसी तरह की एक्टिविटीज़ को और प्रमोट करने के लिए, या फिर जो ये फेकनेस या ओरिजिनैलिटी का इशू राइज हो रहा है उसको और प्रमोट करने के लिए। तो आपको नागालैंड गवर्नमेंट का ये रजिस्टर यहाँ पे मेंटेन
याद रखना है। और यहाँ पे जो की फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पे बेसिकली एक एक्सटेंसिव सर्वे होगा जिसके थ्रू जो रिकॉर्ड्स और डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसके बेसिस पे रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को इन्वॉल्व करता है जिसमें कि जो इंडिजिनस रेजिडेंट्स है, चाहे वो रूरल एरियाज़ के हो या फिर अर्बन वार्ड्स के हो, उन सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि देखिए, फेक सर्टिफिकेट्स तो दोबारा भी बन सकते हैं चाहे आप कैसे रजिस्टर मेंटेन करें, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, ऐसा कि पता चल सके कि यही ओरिजिनल पर्सन है नागालैंड का, जितने भी इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स की ये जो लिस्ट बनाई जाएगी सर्वे के थ्रू, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर लिखा होगा और एक बार कोड होगा। वो नंबर और बार कोड नागालैंड की गवर्नमेंट के पास भी रजिस्टर में मेंटेन होगा। तो जब ये दोबारा रीचेक किया जाएगा उस टाइम, अगर वो बारकोड या वो नंबर नागालैंड गवर्नमेंट के रजिस्टर में मेंशन नहीं होगा, इसका मतलब वो पर्सन वहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं है। फिर हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड को। देखिए, जहाँ पे हम पूरी कंट्री में बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जैसे कि आज ही हमने इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया कि बात कही गई थी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ने भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया है। नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया है इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, एम डोनर जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है नॉर्थ ईस्ट में कि ऐसा कोई वेंचर फंड आया है। वेंचर फंड क्या होता है कि कोई प्राइवेट इक्विटी जब किसी एंटरप्रेन्योर को या फिर किसी स्टार्टअप को पैसे देती है स्टार्टिंग में कि वो अपने बिजनेस को रन कर सके। पर देखिए, ये जो वेंचर फंड्स होते हैं ये बाद में प्रॉफिट्स भी लेते हैं एंटरप्रेन्योर से, बट स्टार्टिंग में एक फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। तो इस तरीके का एक वेंचर फंड फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलप किया गया है। और यहाँ का भी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा सके। तो ये जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी इस वेंचर फंड के अंडर, वो ₹25 लाख से लेकर ₹10 करोड़ तक होगी पर वेंचर। वो ये डिपेंड करता है कि जो बिजनेस प्लान है उस एंटरप्रेन्योर का वो कितना अच्छा है और कैसे लेवल है। और ये जो फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, ये स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस से लेके 4-5 साल तक, जब वो स्टार्टअप क्रिएट हो रहा है, सेटल हो रहा है, तब तक प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रसाद स्कीम। देखिए, प्रसाद स्कीम से ही आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। प्रसाद क्या होता है, जब हम किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो वहाँ पे हमको जो खाने की चीज़ दी जाती है, फ्रूट्स, रॉ मटेरियल, कुछ भी वो हो सकता है। तो प्रसाद स्कीम अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद की फुल फॉर्म है। इसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने जो पिलग्रिमेज साइट्स है उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको डेवलप करना, और इस तरीके से उनको डेवलप करना कि वहाँ पे बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस के लिए जो भी लोग आते हैं उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो और इससे जो टूरिज्म सेक्टर है इंडिया का वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। तो इसको बेसिकली लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने और इसका एम है कि जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं उनकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके एक प्लान प्रायोरिटाइज और सस्टेनेबल मैनर में। जो फंडिंग दी जाती है इस स्कीम के अंदर वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू दी जाती है और यहाँ पे एक सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास जो है लैंड इश्यूज आता है तो पिलग्रिमेज को मेंटेन करना उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो फंड होगा ये 100% गवर्नमेंट फंड होगा, यहाँ पे कोई भी इस तरीके से वॉलंटियर फंड की बात नहीं की गई है। देखिए, अगर किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना होता है तो आप हर एस्पेक्ट में देखिए, आज भी जब इकोनॉमिक सर्वे में हमने डिस्कस किया, कहा गया था कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन आ जाती है किसी चीज़ में तो जो गेंस होते हैं, जो एफिशिएंसी होती है वो और बढ़ के आती है। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि ये जो प्रसाद स्कीम है इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इम्प्रूव करना है और जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी प्रमोट करने की बात कही गई है, मतलब कि इन दोनों के साथ मिलकर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर आता है सेवा भोज योजना। देखिए, जहाँ पे प्रसाद स्कीम जो थी वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के
प्रमोशन के लिए थी, मतलब पिलग्रिमेज साइट के प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए थी। वहीं पे सेवा भोज योजना, सेवा क्या होता है एक तरीके से काइंडनेस, और भोज क्या होता है खाना, ठीक है। तो जो ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है जो चैरिटेबल वर्क करते हैं, मतलब कि गरीबों को खाना खिलाते हैं फ्री में, तो इनको सेवा भोज योजना के अंदर लाया गया है। और ये न्यूज़ में है क्यों? क्योंकि इस योजना के अंडर जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस थे उनसे अब तक सेंट्रल शेयर ऑफ GST लिया गया था या IGST लिया गया था फूड पार्टिकल्स पे, प्रसाद पे, लंगर पे, भंडारे पे, तो वो सारा अब कहा गया है कि उनको वापस करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए। और जो रॉ मटेरियल परचेज होता है ये प्रसाद लंगर भंडारा बनाने के लिए, उसके ऊपर भी जो GST लगता है उसको ख़त्म करने की या फिर लेसन करने की बात की गई है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं या फिर जो इन्वॉल्व किए गए हैं वो है घी, एडिबल ऑयल, आटा, रवा, राइस पल्सेस एटसेट्रा, तो जो भी फूड आर्टिकल्स है वो इसमें आएंगे। और इसमें जो एम रखा गया है योजना का वो ये है कि जो ऐसे चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को कम करना, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा तो वो और बेटर तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ये रिलीजन बेस्ड नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ टेम्पल्स को रखा गया है, टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, जितने भी या फिर जो धर्म सभाएं होती हैं उन सबको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। बट यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि वो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जब वो अप्लाई करेगा सेवा भोज योजना के लिए, उससे पहले वो 5 साल हो चुके होने चाहिए उसको सेटअप हुए, उसके बाद वो जो इंस्टीट्यूशन है वो एटलीस्ट महीने में 5,000 लोगों को खाना खिलाता हो, और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो एज अ पब्लिक ट्रस्ट, तभी उसको यहाँ पे एलिजिबिलिटी जाएगी, उसको सेवा भोज योजना के अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे। लास्ट न्यूज ऑफ टुडे इज ड्राफ्ट टेनेंसी लॉ। देखिए ड्राफ्ट टेनेंसी लॉ क्यों है कि अगर आप कहीं पे टेनेंट है, मतलब आप कहीं पे किराएदार हैं, तो आपके लैंड ओनर अगर आपको ओप्रेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट ये लॉ की गई है, और कहीं पे टेनेंट्स जो हैं वो लैंड ओनर्स को परेशान करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक मॉडल टेनेंसी लॉ आई है। इसके जो हाइलाइट्स है वो क्या है कि सबसे पहले ये कहा गया है कि अगर कोई लैंड ओनर ये चाहता है कि वो अपने रेंट को रिवाइज करे, मतलब वो किराया बढ़ाना चाहता है, तो वो अपने टेनेंट को या फिर किराएदार को 3 मंथ्स पहले नोटिस दे देगा कि हम आपका रेंट बढ़ाने वाले हैं, ताकि जो टेनेंट है उसके दिमाग में ये चीज़ रहे कि क्या वो किराया उतना दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या फिर उसको अपनी जगह बदलनी है। फिर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जिसके भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो घरों में रूल्स बनाए गए हैं, उसको एज एन रेंट अथॉरिटी यहाँ पे बनाया गया है। और अगर कोई टेनेंट है, मतलब कि जैसे कि लैंड ओनर ने नोटिस दे दिया किसी भी वजह से कि आप हमारा घर खाली कर दीजिए, बट फिर भी जो टेनेंट है वो वहाँ पे रह रहा है उनके नोटिस देने के बाद भी, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जो अब रेंट अथॉरिटी बन चुका है वो पेनल्टी लगाएगा टेनेंट के ऊपर, और वो जो पेनल्टी होगी जितना रेंट वो पे कर रहा है उससे डबल अमाउंट में होगी। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी बात की गई है कि 2 मंथ्स रेंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस में देनी होगी टेनेंट को, लैंड ओनर को जब वो घर वहाँ पे किराए पे लेने जाता है। फिर बाद में ये भी कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं उनको ऐसी लॉज अडेप्ट करनी चाहिए लैंड से रिलेटेड, क्योंकि जो लैंड है वो एक तरीके का स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली लॉज बनाने की जिम्मेदारी स्टेट को दी गई है। और ये भी कहा है कि स्टेट को रेंट कोर्ट्स या फिर रेंट ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, ताकि जो सिविल कोर्ट्स है उनके ऊपर जो बर्डन ऑफ केसेज है उनको कम किया जा सके। उसके बाद ये भी कहा गया कि देखिए अगर कोई टेनेंट है वो लैंड ओनर को जाके कहता है कि घर में कोई इशू आ रहा है आप उसको रिपेयर करा दीजिए, और लैंड ओनर उसके लिए मना कर देता है, तो टेनेंट अपने आप उस रिपेयरिंग को करा लेगा, और उस रिपेयरिंग को कराने में जो भी खर्च आएगा टेनेंट का वो जब रेंट देगा लैंड ओनर को तो उस खर्चे को उसमें से डिडक्ट कर लेगा, और फिर किराया या फिर जो रेंट है वो लैंड ओनर को देगा। यहाँ पर लैंड ओनर को ये भी कहा गया कि अगर आपको कोई रिपेयर का काम कराने या रिप्लेसमेंट का काम कराने अपने घर में जाना है जिसको आपने
प्रेजेंट टेनेंसी दे रखा है, किराए पे दे रखा है, तो आपको 24 आवर्स पहले नोटिस देना होगा टेनेंट को कि हम आएंगे 24 आवर्स बाद रिपेयर वर्क के लिए। आप अपने रेंटेड प्रमिसेस में विदाउट नोटिस एंटर नहीं कर सकते हैं। फिर जो लैंड ओनर है उसको ये भी कहा गया कि अगर आपका टेनेंट के साथ कोई डिस्प्यूट भी होता है तो आपको ये अलाउड नहीं है कि आप पावर सप्लाई या फिर वाटर सप्लाई कट कर दे। अगर लैंड ओनर वाटर सप्लाई या पावर कट करता है तो उस टाइम जो रेंट अथॉरिटी है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसको ये पावर दी गई है कि आप वो अमाउंट कंपनसेट करेंगे। तो जो भी डिसकंफर्ट टेनेंट को उस टाइम हुआ है इस डिस्प्यूट की वजह से, इस सप्लाई की कटिंग ऑफ की वजह से, उस सब का कंपनसेशन लैंड ओनर को टेनेंट को देना होगा। तो हमने सारे डेवलपमेंटल इश्यूज को डिस्कस कर लिया है, 2-3 वीडियोस और आएंगे और आपके अब तक के डेवलपमेंट इश्यू सारे ओवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।